इसमें जो ये स्विच फीचर दिया, मैं एक साथ टोटल 4 फोन हैंडल करता हूँ। सो अभी जस्ट मैं अपना टेक्निकल वीडियो शूट कर रहा था। जितने लोग टेक्निकल चैनल से होंगे उनको पता होगा ये बैकग्राउंड हमारा रहता है, लेकिन हमने थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करना चाहा। काफी चैलेंजेस आए वो दिखाता हूं। पहले मैं खड़े होकर वीडियो बनाता था, लेकिन अभी सोचा एक नया फ्रेम शूट किया जाए जो बैठ करके होना चाहिए और माइक का क्वालिटी भी इंप्रूव होना चाहिए। तो ये एक हमारे पास जूम H1 का माइक है, बहुत ही पावरफुल माइक है। तो मैंने यहाँ पे इस ट्राइपॉड पे लगा के उस पर वॉइस ओवर दिया। और मेन चैलेंज हो रहा था कि मेरे पास एक अच्छा ट्राइपॉड नहीं था कैमरा लगाने को, और ये कहां से मैं खोज खाज के लाया भाई ये टूटा हुआ ट्राइपॉड। ये पुराना ट्राइपॉड बहुत ही मुश्किल से मिला है, और इसका हालत देखो कितना खराब हो चुका है। ये देखो, ये एक टांग यहाँ पे इसका टूटा हुआ था। बहुत ही बड़ा रिस्क था कि ये कैमरा गिर सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे पूरा देखो तकिया वगैरह लगा के रखा कि अगर इनकेस गिरता भी है तो ये तकिए में गिरेगा तो यहाँ पे संभाल लिया जाएगा। तो जितने भी नए यूट्यूबर हो अभी भी देख लो भाई, इतना अच्छा सेटअप तो है अपना, फिर भी अगर वीडियो शूट करने की बात आई, कुछ क्रिएटिविटी करने की बात आई, तो ये देखो इस तरीके से जुगाड़ लगा करके हमने वीडियो को यहाँ पे शूट करने की कोशिश किया। तो नया बैकग्राउंड कैसा लगा, अगर टेक्निकल चैनल से हो तो कमेंट करके बताना। उस बैकग्राउंड के पीछे भाई देखो इतना मेहनत किया गया, तभी जाके वो बैकग्राउंड आपको दिखाया। तो कुरियर वाले का जस्ट फोन आया कि मोबाइल लेकर के आ रहा है। वैसे मैं बताना आपको भूल गया, मैंने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट का फोन ऑर्डर किया है। ये फोन बहुत ही रेयर है क्योंकि अब इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा भाई क्या यूनिक कॉन्सेप्ट था ना। हम लोग मतलब यूट्यूब में देख रहे थे, क्या सही कॉन्सेप्ट लगा भाई। और यू नो मतलब मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस करने का बहुत ही शौक रहता है, तो बिना सोचे समझे मैंने ऑर्डर ही कर दिया। तो अभी जस्ट वो लेकर के आ रहा है ना, बहुत ही एक्साइटेड है भाई। मतलब इस तरीके का फ़ोन पहले कभी मैंने यूज़ नहीं किया, तो आज देखते हैं कैसा है। सो फोन हमारा डिलीवर्ड हो चुका है। सो इस बार जो है आपको ब्लॉग वाले स्टाइल में अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा मैं, इस बार प्रॉपर अनबॉक्सिंग वाला जो वीडियो होता है वो करके दिखाने वाला है। सो ये रहा इसका बॉक्स, चलिए ओपन करते हैं। ओपन करेंगे, अंदर में सिंपल सा पैकिंग किया गया है, और ये LG विंग की तरफ से बॉक्स आ जाता है। नीचे में 5G लिखा हुआ है, ऊपर में मेंशनड है कि इसमें आपको हार्ड केस भी मिल जाएगा। बॉक्स में MRP 80,000 दी गई है। चलिए इसके हम लोग सील को ब्रेक करते हैं। तो मुझे यहाँ पे सील पैक दिया गया है, कट कर लेंगे यहाँ पे। सिंपल सा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, और अंदर में यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको मिल जाता है ये LG विंग। सो ये हमने फोन निकाल लिया। सबसे पहले तो काफी हेवी सा फील हो रहा है, अराउंड 260 ग्राम्स का ये फोन है। बॉक्स में देख लेते हैं क्या कुछ मिलता है, तो क्विक अनबॉक्स कर लेते हैं। कुछ खास नहीं है इसके अंदर, आपका आई थिंक सो केस होगा। जो मटेरियल यूज किया गया है काफी ज्यादा स्टर्डी लग रहा है, और बैक साइड में यहाँ पे टेक्सचर्स दिया गया है और LG की ब्रांडिंग आप देख पाएंगे। यहाँ पे कुछ फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं और LG विंग लिखा हुआ है। चलिए मैं एक बार निकाल लेता हूँ। सो काफी ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है, देखने से ही कितना ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। बैक साइड में यहाँ पे ग्लास यूज किया गया है, और ये फ्रंट में आपको काफी बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। चलिए मैं एक बार इसे बूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बूट जैसे मैं करूंगा ऐसा वाइब्रेशन होगा, LG विंग लिखा आ जाएगा, पावर बाय एंड्रॉइड लिखा आ जाता है। सो फोन हमारा बूट हो गया है, काफी अच्छा एनिमेशन यहाँ पे दिया गया, लाइव स्कूल लिखा हुआ आ रहा है। सो फोन हमारा सेटअप हो गया है। सबसे पहले तो आप डिस्प्ले देखो यार, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये साइड से थोड़ा सा कर्व है, तो कर्व होने की वजह से ये काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। इसमें किसी भी तरीके का नॉच नहीं है, तो इसमें पॉपअप कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले मेरे को काफी बेस्ट लगा है, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख पाएंगे। बैक साइड में फुल्ली ग्लास यूज किया गया है, तो इसमें फिंगरप्रिंट्स आ ही जाएंगे। तो वैसे केस दिया गया है, मैं आपको इंसर्ट करके दिखा दूंगा। तो बैक साइड से भी आप देखें कितना ज्यादा प्रीमियम लगता है, ये दूर से ही देखने से लगेगा फोन काफी ज्यादा प्रीमियम है। चलिए हम लोग मेन हाईलाइट देखते हैं जिसके लिए आप ये परचेस करेंगे। तो इसमें जो ये स्विच फीचर दिया है, थोड़ा संभल कर यूज करिएगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम में फोन ही गिरा दिया। तो काफी स्मूथ है, और अभी फोन आपके सामने गिरा था, वैसे फोन को कुछ नहीं हुआ, साइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी चेक भी हो गया है, तो वैसे फोन बड़ा सही लग रहा है। वैसे LG ने तो भाई सही में 70,000 इसका लिया, तो इनोवेशन भी आपको ये जो मिल रहा है, तो और सभी ब्रांड से स्पेशली इस प्राइस पॉइंट में ऐसा टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट करना काफी मुश्किल है। तो ये सिर्फ आपको LG ही प्रोवाइड करवा सकती है। एक बार मैं आपको केस लगाकर भी दिखा देता हूँ कैसा है यहाँ पे। तो ये रहा फिल्म, मैं निकाल लेता हूँ। ओके, तो ये केस लगाने के बाद थोड़ा फोन बल्की हो गया है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए आपको डेफिनेटली लगाना चाहिए। और बैक साइड से काफी प्रीमियम लगता है, जैसे कि सैमसंग का S20, S20 प्लस है, उस तरीके का लुक आपको बैक में देखने को मिलेगा। और अभी वन हैंड से यूज करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये स्लिप कर सकता है, तो आप इस तरीके से दूसरे हाथ को यूज कर लेना। तो ये काफी स्मूथ है, और LG काफी बार इसे टेस्ट कर चुका है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा।
सो कैसा लगा ये फ़ोन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं प्रेजेंट डे में कौन कौन से फ़ोन्स को यूज़ करता हूँ, क्योंकि आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एक साथ टोटल 4 फ़ोन हैंडल करता हूँ। सो आई विल जस्ट शो यू कि अभी प्रेजेंट डे में मेरे पास कौन कौन से फ़ोन और कौन से फ़ोन्स का क्या वर्क होता है मेरी लाइफ में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो कि मेरा प्राइमरी फ़ोन है वो है मेरा ये आईफोन का 12 प्रो मैक्स जो कि मैंने परचेस किया था। ये मेरा प्राइमरी फ़ोन है, इसमें जो भी फ़ोन कॉल्स होते हैं, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, सारे मैं इसी से हैंडल करता हूँ। अभी हाल ही में आईफोन 13 भी लॉन्च हुआ लेकिन मैंने परचेस नहीं किया क्योंकि वैसा कुछ नीड मुझे नहीं लगा। अभी भी 12 प्रो मैक्स बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है और या ये मेरा प्राइमरी फ़ोन है, ठीक है। उसके बाद मैं एक सेकेंडरी फ़ोन भी रखता हूँ जो है मेरा अभी करंटली OnePlus 8T। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फ़ोन, एकदम शाइनी आपको देखने को मिलेगा। इस फ़ोन में मैं थोड़ा हार्डकोर यूज़ करता हूँ, जैसे कि YouTube वीडियोस देखना हो गया, जितने भी बैंकिंग वर्क्स हो गए, जो मीडिया कंज्यूम करना हो गया, सारा मैं इसी फ़ोन से भी करता हूँ। सो ये भी एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन है क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी हाई लेवल का है। तो OnePlus 8T मेरा सेकेंडरी फ़ोन है। उसके बाद फिर मैं यूज़ करता हूँ ये सैमसंग का M30S। थोड़ा सा पुराना फ़ोन है लेकिन अभी भी बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और इस फ़ोन का मैं यूज़ करता हूँ ब्रांड डील्स करने में। जो भी ब्रांड के डील्स होते हैं वो मैं इसी फ़ोन के ज़रिए यहाँ पे हैंडल करता हूँ, तो इस फ़ोन का भी पर्पस बिल्कुल अलग है। उसके बाद करंटली आई एम यूजिंग रेडमी नोट 5 प्रो। आई नो ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है, पूरे मेटल बॉडी के साथ आता है, लेकिन इस फ़ोन का मैं यूज़ करता हूँ हार्ड कोर टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें हमें पहले बहुत ही हार्ड टेस्टिंग करना पड़ता है, जिसमें वायरस आने का खतरा होता है, डाटा लीक होने के चांसेस होते हैं। तो इस फ़ोन का मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होता, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो या करंटली आई एम यूजिंग रेडमी नोट 5 प्रो जो कि मेरा सबसे पुराना फ़ोन है, और ऐसा बोला जा सकता है कि सबसे मेन काम जो है इसी फोन के जरिए यहां पे किया जाता है। तो ठीक है, टोटल ये 4 फोन सभी मैं यूज कर रहा हूं और इस फोन के लिस्ट में आ चुका है हमारा वन ऑफ द फ्लैगशिप फोन जो कि कितना शाइन कर रहा है आप देख सकते हो। ये है अपना LG विंग। जब से ये मेरे हाथ में आया ना तब से मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ, क्योंकि ये करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना भाई, बहुत ही मजा आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट के वजह से मेरा काम बहुत ही आसान हो चुका है क्योंकि मैं दो डिस्प्ले एक साथ यूज कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे अगर मैं मीडिया कंज्यूम कर रहा हूँ तो नीचे वाले में कुछ मतलब व्हाट्सअप चेक करना हो गया या कुछ टेलीग्राम में अपडेट्स देखना हो गया, तो मैं एक साथ जो है दो काम यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये मेरे को एक बेनिफिट लग रहा है, ठीक है। और बाकी जो इस फोन के यूजर एक्सपीरियंस है बहुत ही बेस्ट है क्योंकि डिस्प्ले काफी अच्छा यूज किया गया। इस फोन के बाद अभी मेरे पास तो टोटल 5 फोन हो गए लेकिन मैं 5 फोन एक साथ हैंडल डेफिनेटली नहीं कर सकता हूं, तो इसमें से एक फोन मुझे निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूं कि जो मैं ब्रांड डील्स करता था सैमसंग के साथ उसे मैं LG विंग में शिफ्ट कर देता हूं, एंड बाकी जो हार्डकोर यूज करना होता था जिसमें टेस्टिंग किया जाता था रेडमी नोट 5 प्रो में, उसे अब मैं ये सैमसंग M30S में शिफ्ट कर देता हूं और इस रेडमी नोट 5 प्रो को भी निकाल देने की मैं सोच रहा हूं। लेकिन अभी मैं इसे बेचूंगा नहीं क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि पापा अभी रेडमी नोट 4 यूज कर रहे हैं, तो उनको एक अपग्रेड दे दिया जाए, उनको नोट 5 प्रो यहाँ पे दे दिया जाए तो उनका भी यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि पापा को गिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी अभी मैं टोटल यहाँ पे 4 फोन यूज कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो, फोन काफी अच्छा लगा मुझे, एकदम वैल्यू फॉर मनी है। मतलब आप पब्लिक में एक बार ऐसे कर दोगे ना तो कोई भी एक बार पूछेगा आपकी भाई मतलब कौन सा फोन ये लॉन्च कर दिया गया, और डेफिनेटली ये अब रेयर हो चुका है क्योंकि अब इसकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है। जो भी लिमिटेड पीस LG ने मैन्युफैक्चर कर दिया बस वही रहने वाला है क्योंकि अब ये लिमिटेड एडिशन बन करके ही रह गया है, तो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के पास आपको ये LG विंग फोन देखने को मिलेगा। तो या LG का ये लिमिटेड एडिशन टेक्नोलॉजी मेरे पास भी है तो बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसे मैं टेक्नोलॉजी को डेफिनेटली एक्सपीरियंस करते रहता हूँ। पुराने सब्सक्राइबर हो गए तो पता होगा मुझे गैजेट्स परचेस करने का बहुत ही शौक है और लिमिटेड एडिशन चीज को यूज करने में और भी मुझे मजा आता है। तो ठीक है, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।